परियों, परीलोक के लिए सबसे मुश्किल की घड़ी है। ऐसा लगता है जैसे परीलोक को किसी की नजर लग गई। तेरी परी? तेरी परी? नाराज परी? ये चोटें कैसी लगी? हाँ परियों, आप इतनी घबराई हुई क्यों? आखिर हुआ क्या है? बोलिए ना, रानी परी। ये सब भयंकर परी और महाभस्म परी की वजह से हुआ है। क्या? हाँ रानी परी, हम दोनों ने बहुत कोशिश की उनका सामना करने की, लेकिन हम उनकी शक्तियों के सामने बेबस थे। हम कुछ नहीं कर पाए। चिंता मत कीजिए परी। परियों, ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी। हमें किसी भी तरह बुरी परियों को रोकना होगा, वरना वो बुरी परियां परीलोक को भस्म कर देंगी। रानी परी, कहीं ये परीलोक की नियति तो नहीं? क्योंकि हमने जो भविष्य दर्शन यंत्र में देखा था कि परीलोक में आग लग गई है, रानी परी, वो भविष्यवाणी सत्य निकली। पुक्की, हाँ? बहुत हंसी आ रही थी ना तुझे हम पर? रोहित केवल को इतनी गुदगुदी करना कि हंसते हंसते रोने लगे। रोहित और केवल पुक्की को गुदगुदी करे, लेकिन गुदगुदी का असर मोंटू पर हो। केवल को छोड़ो और मेहर को पकड़ो, वो हमारी मेन टारगेट है और वो यहाँ है। मेहर, रुक! मेहर, वो पेंसिल मुझे दे दे। हिम्मत है तो खुद ले ले। तुम जाके पकड़ो। पानी है आपके पास? आपके पास है? नहीं, नहीं है। अरे बॉस, चलो। अरे चलो क्या, हम यहाँ से भी उसे पकड़ सकते थे। अभी पकड़ो। ये मैरी गो राउंड अपने आप घूमने लगे। अब और तेज। परियों, हमें इसी समय बालवीर को परीलोक पे बुलाना होगा। नहीं रानी परी, अगर भविष्य दर्शन यंत्र की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई तो? कहीं बालवीर ने आप ही से बात कर दिया तो? नाराज परी, इस भविष्यवाणी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इन बुरी परियों से निपटने के लिए हमें बालवीर को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। परियों, ये हमारा आदेश है। बाल परी, आप बालवीर को आवाज दीजिए। बालवीर, 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 बालवीर,
बालवीर परी, ये परीलोक में अचानक आग कैसे लग गई? बालवीर, परीलोक में बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। क्या? हाँ बालवीर, फिर भूकंप आने लग गया और मोंटू की क्या बैंड बजाई बालवीर ने, लेकिन मैंने तो बैंड की आवाज सुनी नहीं। मैं डांस कर लेता था ना कि यार तू भी ना। दोस्तों, ये जो भी हुआ सब बालवीर ने नहीं, इस मैजिक पेंसिल का कमाल है। मैजिकल पेंसिल? ये तो वही पेंसिल है ना महर, जो तुम्हें सुबह मिली थी। हाँ, ये वही है, लेकिन इसमें बहुत पावर्स है। और तुम लोग को पता है, इससे मैं जो भी लिखती हूँ वो हो जाता है। वाओ, इसका मतलब तुम लोग ने ये सब चीजें इस मैजिकल पेंसिल की पावर से किए ना? हाँ। तुम वापस पार्टी कर रहे? हाँ। हाँ। और वैसे भी मोंटू की बैंड बजाने की खुशी में हम थोड़ा डांस और थोड़ा धमाल करते हैं। मैं एक म्यूजिक सिस्टम मंगवा। ठीक है, म्यूजिक सिस्टम आ जाए। देखा? चारे छोकरे भेजा ना ठोकरे, और ला है अपुन। पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, तेरी टाई टाई फिस, फिस 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 फिस। जादू पेंसिल के मदद से महर ने कैसे हमारी बैंड बजाई। अब देख महर के मोंटू द ग्रेटेस्ट कहानी कैसे तुझसे ये पेंसिल छीनता है। देखो महाभस्म परी, परियों की सेना आ रही है और वो परीलोक को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अपनी पूरी शक्तियां केंद्रित करके इन्हें युद्ध में व्यस्त कर देंगे। और धीरे धीरे परीलोक अपने आप सूरज से टकरा जाएगा, क्योंकि उसने सूरज का मान पकड़ लिया है। बालवीर, इससे पहले परीलोक सूरज के बहुत पास पहुंचे, हमें इन बुरी शक्तियों को हराना होगा। आप चिंता मत कीजिए रानी परी,
आज परीलोक के बारे में बुरा सोचने वालों का अंत खुद बालवीर के हाथों से होगा। बालवीर, वहीं खड़े खड़े अपने परीलोक को समाप्त होते देखोगे या कुछ करोगे भी? करूंगा भयंकर परी, आज तुम्हारी बुराई का अंत करूंगा। आज ऐसा नहीं होगा बालवीर, क्योंकि आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज बुराई का साथ देने वाली हर परी मेरे साथ यहाँ होगी। आज बुराई का हर साथी जो तुम्हारा साथ देगा उसका भी अंत तुम्हारे साथ ही होगा। बस बातें नहीं, युद्ध करो बालवीर। महाभस्म परी कि ये तुम पर वार करके बुराई की शक्तियों को बांट देंगी? नहीं, मैं इनके एक वार का जवाब 100 बारों से दूंगी। छल परी, छल परी, छल परी, छल परी। केवल कहाँ गायब हो गया? अबे मोंटू बॉस, केवल गायब नहीं हुआ है, वो पिज्जा और बर्गर लेने गया है और उस मेहर के बच्चे ने तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर धक्का दिया। तो मुझे भूख लग गई है मोंटू बॉस। तो मुझे भी लगी है रोहित। एक काम करते चल, जब तक केवल नहीं आता हम उस बेंच पर आराम कर लेते हैं, है ना? चल। मैं दादाजी हमेशा कहते हैं कि आराम आराम है, फिर भी ये लोग आराम करने जा रहे हैं। शायद से उनके दादाजी ने उन्हें ऐसा नहीं कहा होगा, इसीलिए आराम कर रहे हैं। क्योंकि मानव के कहने का मतलब है कि इन्हें आराम करने नहीं देना है, इनकी तो बैंड बजानी है। हाँ, इनको आराम करना है ना, अभी इनका सब आराम निकालती हूँ। मोंटू और रोहित जैसे ही बेंच पे बैठने लगे, बेंच पीछे सरक जाए। अरे मोंटू बॉस, ये आपने क्या किया? आपने बेंच का धक्का क्यों मारा? मैं गिर गया ना। अरे मैं भी तो नीचे गिरा हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा और चोट मुझे भी लगी। चलो चलो वापस बैठते। हाँ मोंटू छोटा बच्चा बन जाए। मोंटू अरे मोंटू बस, ये आपको क्या हो गया?
मोंटू बॉस को बच्चा बना दिया। अरे जो भी हुआ था अच्छा हुआ था, मतलब जो भी हुआ था बच्चा हुआ था, मतलब बॉस आप बच्चा बन गए थे, महर ने आपको बच्चा बना दिया था क्या? हाँ महर ने बहुत खेल खेल लिया मेरे साथ, अब तो इसे मैं देख लूंगा। इन परियों की सेना से लड़ने में हमारी मदद कीजिए। परियों को छल नहीं, बवंडर परी का बल समाप्त करेगा। बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, 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 बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, बवंडर परी, 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 परी। मुझे पहाड़ का? अरे मैंने मोंटू बॉस, मैंने तो इन्हें उठाया। तो फिर ठीक है। ए पिद्दी, अब तुम कहाँ बचकर जाओगे? हाँ? मैं, तेरे ये पिद्दी साथी मेरे कब्जे में है। हाँ। मानव माने कि चुपचाप मुझे आकर वो पेंसिल दे दे, नहीं तो इन लोगों की बात लगा दूंगा। मैं, अब हम क्या करेंगे? मैं, आके मुझे वो मैजिकल पेंसिल दे दे, वरना इन पिद्दियों को पीट पीट के चाइनीज के डिश बना दूंगा। ये अच्छा आइडिया है बस। मानव को मंचूरियन बना दो, इसे कुकी को फ्राइड राइस बना दो, और इसे वानी को हक्का नूडल्स बना दो मंटू बस। ये सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ गया। चलो ना बस, हाँ हाँ चल, अबे चुप कर।
पहले पेंसिल लेने दे भैर से, बाद में तो हमारी पार्टी पार्टी है। मेहर चुपचाप मुझे आकर वो पेंसिल दे दे, लास्ट बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मोंटू मोटे मेरे दोस्तों को चाइनीज बनाएगा, अभी दिखाती हूँ। मोंटू और रोहित चाइनीज बन जाए। हाय हाय हाय। अब मोंटू और रोहित कराटे करके एक दूसरे की पिटाई करे। क्या बोलती है, ठीक कर दो? मोंटू और रोहित नॉर्मल हो जाए। अरे बॉस तो क्या है ना, चाइनीज बोर्ड जबान उल्टी सीधी, मतलब बॉस क्या है ना, चाइनीज बोल बोल के जबान आड़ी तड़ी हो गई है। मैं समझ सकता हूँ, महर की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अवंडर बलि, इन परियों की सेना और परियों को अपना असली रूप दिखाओ और अपने भवंडर के जाल में इन्हें ऐसा फंसाइए कि ये फिर कभी बाहर ना निकल पाए, और फिर इन्हें ले जाकर परिलोक की आग में झोंक दीजिए ताकि परिलोक के साथ साथ ये परियां भी समाप्त हो जाए। परी, अब इन परियों को ले जाकर झोंक दो परीलोक की आग में। मां परियों, परियों अब तुम अकेले हो बालवीर, और हम सब एक साथ हैं। कैसे हराओगे हमें और कैसे बचाओगे अपने प्यारे परीलोक को? भयंकर परी रावण के 10 सर थे, लेकिन उनका अंत करने के लिए राम जी अकेले ही काफी थे। लेकिन तुम भगवान नहीं हो बालवीर, तुम वो बालवीर हो जो आज बुरी शक्तियों के सामने अकेला खड़ा है, जिसे हम उसके प्यारे परिलोक के साथ हमेशा हमेशा के लिए सूरज में समा देंगे। आ,
आज तुम चाहे कुछ भी कर लो, परिलोक और तुम्हारा अंत निश्चित है। वो देखो, परिलोक सूरज की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और जल्द ही परिलोक सूरज में समा जाएगा। मैंने सर से बात कर ली कि साइंस कॉम्पिटिशन में मेरे बदले तू हिस्सा ले रहा। बस एक ही उम्मीद है कि तू फर्स्ट आ जाए, तभी तो अगले स्टैंडर्ड में तू हमारे साथ होगा, है ना? पर एक बात अजीब है, मैं कब से अकेले ही बकबक कर रही हूँ पर तुम लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या कमाल है, ये लोग भी सही टाइम पे गायब हो गए, है ना? प्रोजेक्ट का इतना सारा काम बाकी है और अभी इनको मस्ती करनी है। मानव, सलोनी, बानी, पुकी, कहाँ हो तुम लोग? सारे पिद्दी लोग यहाँ हैं। लेके आओ रे। मोंटू, इतनी पिटाई हुई तेरी, फिर भी तो सुधरा नहीं ना? देख, मेरे दोस्तों को छोड़ दे, वरना तेरा जो एक्स्ट्रा लार्ज साइज है ना, उसको मैं स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर दूंगी। अरे मोंटू तो क्रिटिश लखानी डर गया मेहर डगली से। मेहर, तुम्हारा शो खत्म। अब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का शो चालू है। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मैजिकल पेंसिल से मजा चखाता हूँ। तुम पिद्दी इसके बल पे उछल रहे थे ना? हाँ, अब देखना मैं कैसे तुम्हारा बुरा हाल करता हूँ। मैं सोच रहा था कि इनसे और कुछ भी करवाऊं, लेकिन क्या कराऊं? आइडिया। वैसे तो आप तारीफ के लायक हो नहीं, लेकिन फिर भी पिद्दियों से आपकी तारीफ सुनते क्या बोलते हो? हाँ, पहली बार कुछ अकलमंदी की बात की है तूने। ग्रेट हो मोंटू जी, शहंशाह मोंटू जी अमर रहे, महाराजा धीराज मोंटू की जय हो। परम पूज्य श्री श्री मोंटू जी, आप महान। लिव लॉन्ग मोंटू बॉस। बस हो गया रोहित, केवल आज पेट भर गया, आज के लिए इतना ही काफी है। सब लोग नॉर्मल हो जाए। क्यों निकल गई सारी हवा? अब नेक्स्ट टाइम तुम मुझसे पंगा लिया ना, तो इससे भी डबल बैन बजा दूंगा। चलो रोहित केवल, हमें इस मैजिक पेंसिल के मदद से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। भवंडर परी, तो
तुम्हारा यहाँ वापस आने का मतलब है कि तुमने सारी परियों को वापस परिलोक की आग में झोंक दिया है। देखो बालवीर, परिलोक तेजी से सूरज की ओर बढ़ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहना पड़ेगा। तुम भी अपनी प्यारी परियों के साथ परिलोक की आग में हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो जाओगे। पहली बार बुरी शक्तियों की आगे विवश हो गया, पर चाहे जो भी मुझे परिलोक को बचाने का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा। क्या हुआ बालवीर, आंखें क्यों बंद कर ली? सच्चाई और अच्छाई को हारते हुए देखा नहीं जा रहा? लेकिन तुम्हें देखना पड़ेगा बालवीर, आज तुम्हें सच्चाई को हारते हुए और बुराई को जीतते हुए देखना पड़ेगा। नहीं, मैं परिलोक को समाप्त नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। पर क्या करूं मैं, किससे मदद मांगू? रानी परी, रानी परी, मैं जानता हूँ रानी परी कि आप यही कहीं हैं। मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद महसूस हो रहा है। बालवीर, मैं जानता था रानी परी कि आप अपने परिलोक और बालवीर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अपनों के दिलों से तो हम वैसे भी कभी दूर नहीं होते बालवीर, हम भले उनकी नजरों के सामने क्यों ना हो, लेकिन उनकी यादों में हम सदा बने रहते हैं। और ये वक्त आपकी हिम्मत हारने का नहीं बालवीर, बल्कि परिलोक की सुरक्षा और बच्चों की खुशियों की जिम्मेदारी लेने का है और परिलोक की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का है। तो जाइए बालवीर, और याद रखिए कि आप अलग हैं, अनमोल हैं, अद्भुत शक्तियों के मालिक, एक असाधारण वीर योद्धा हैं। लेकिन रानी परी, परिलोक को आपकी जरूरत है। तो हम हैं ना यहाँ, समय बदलेगा, परिलोक बदलेगा, परियां बदलेगी, लेकिन आप नहीं बदलेंगे बालवीर, क्योंकि तीनों लोकों में आप सिर्फ एक हैं। तो जाइए बालवीर और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, हमारा प्यार और आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। खुश रहो बालवीर, सदा खुश रहो। रानी परी, आपने कहा था कि जब चारों ओर से संकट से गिर जाओ और कोई भी मार्ग ना दिखाई दे तो मुझे दिल से याद करो, मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता जरूर करूंगी। आज हमें आपकी सहायता की जरूरत है, आइए और परिलोक इन बुरी शक्तियों से बचाइए। शुरुआत भयंकर परी, देखा भयंकर परी, सच्चाई और अच्छाई के तूफान के सामने बुराई का बवंडर कभी नहीं टिक पाएगा। और इसीलिए अब परिलोक का नहीं तुम सबका हो। शुक्रिया रानी, शुक्रिया।
आज आपने सच्चाई और अच्छाई को हारने से बचा लिया। परीलोक कभी भी सूर्य की ओर बढ़ रहा है, मुझे इसे रोकना ही होगा, वरना परीलोक हमेशा हमेशा के लिए सूरज में समा जाएगा। परीलोक को सूरज से दूर ले जाएगा और जैसे ही परीलोक अपनी कक्षा में वापस आएगा इस आग का संकट भी मिट जाएगा। मैं मॉन्टू ने उस मैजिक पेंसिल से हमारी ये हालत की, फिर वो बाकी बच्चों का क्या करेगा? हमें उसे रोकना पड़ेगा। मैं अरे मानव, अगर हमें मॉन्टू को रोकना है हमें उसके आगे आकर रेड सिग्नल दिखाना पड़ेगा। तो तुझे डफर क्यों है? रोकना मतलब भागने से रोकना नहीं, पेंसिल का गलत इस्तेमाल करने से रोकना। तो लेकिन मैं मोंटू के सामने नहीं जाऊंगी, वो मेरी टाइटे फिस्ट कर देगा। अरे तुम लोग इतना डरते क्यों हो? अगर मोंटू के पास मैजिकल पेंसिल है तो क्या हुआ, हमारे पास उससे भी बड़ी शक्ति है। वो क्या? बच्चों को बचाने वाला बालवीर। हाँ चलो हम बालवीर को बुलाते हैं। हाँ, चलो बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर तो नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? तो मोंटू हमारी और भी बैंड बजाएगा। केवल मजा आ रहा है। अब बस खाओ पियो ऐश करो। फिर हम इस मैजिकल पेंसिल के मदद से हमारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। हाँ बस आपके पास इतनी पावरफुल मैजिक पेंसिल है तो क्यों ना इससे एकदम बड़ा धमाका करे, खाने पीने में मजा ले। पहली बार तुमने सच बात की है, अब तो बड़ा धमाका करना ही पड़ेगा। Oh!
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.